नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आज का हमारा टॉपिक है रिजल्ट शीट। तो रिजल्ट शीट बेसिकली एक बेसिक शीट है जिसकी नॉलेज लगभग हर एक्सेल यूज करने वाले को होती है, मगर ये शीट उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी एक्सेल यूज नहीं किया या एक्सेल की सबसे पहली क्लास ले रहे हो। आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ रोल नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ नेम लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स टाइप करने हैं जिसके बेस पर हम बाकी के फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, इसके लिए आप नॉर्मली चाहें तो रेंडमली कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रेंडमली कोई भी नंबर यूज करेंगे तो हमारा टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला के थ्रू नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन एक बेहतरीन फॉर्मूला है जो रैंडमली हमें कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखेंगे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला पुट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले कंडीशन बोल रहा है कि आपको बॉटम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हमने ले लिया लाइक 33 कि 33 से ये वैल्यू स्टार्टअप करे और टॉप 95 या 99 जो भी आप चाहते हैं अपनी वैल्यू आप दे सकते हैं, वहाँ से वहाँ तक रिप्रेजेंट करें। इसके बाद एंटर प्रेस करिए, बाय डिफॉल्ट आपके सामने यहाँ पर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर देगा। इसको आप शिफ्ट के साथ नीचे ट्रैक करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद ये वैल्यू आपकी डाउन साइड में पेस्ट हो जाएगी। साथ के साथ आप शिफ्ट को प्रेस करके राइट एरो यूज करिए, जहां तक आपके सब्जेक्ट्स हैं वहां तक ले जाइए और कंट्रोल प्लस आर दबा दीजिए। कंट्रोल आर दबाने से हुआ क्या, ये वैल्यू आपकी जहां जहां आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे वहां वहां ये फिलअप हो चुका है। अब आपको इन वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा, यानी जब भी आप F9 दबाएंगे या जब भी कोई फॉर्मूला नया यूज करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर रेंट बिटवीन का फॉर्मूला शो कर रहा है। हमें इस फॉर्मूला को रिमूव करना है, यानी इसे एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, पेस्ट में जाएंगे। पेस्ट में एक ऑप्शन है आपका पेस्ट वैल्यू। तो पेस्ट वैल्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और अब आप कुछ भी यूज करिए आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी आपका ये जो नंबर है वो एक वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स। इसका फॉर्मूला है हमारा इज इक्वल टू, जो कि बेसिक फॉर्मूला है जो सबको आता ही होगा, एस यू एम सम। इसमें आप देखिए नंबर वन नंबर टू रेंज मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे हिंदी से लेकर के शिफ्ट के साथ एरो यूज करेंगे और ज्योग्राफी तक इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हुआ क्या, इसने इन सभी का टोटल मार्क्स निकाल करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको शिफ्ट के साथ नीचे डाउन एरो ले जाइए और कंट्रोल डी दबा दीजिए ताकि सभी का आंसर रिप्रेजेंट हो जाए। यही काम आप एक शॉर्टकट कीज के मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इस इक्वल टू यूज करें तो सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है, यानी आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एवरेज, एवरेज निकालने के लिए भी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, इज इक्वल टू ए वी ई आर ए जी। एवरेज डाल दीजिए। एवरेज डालने के बाद आपको सेम सब्जेक्ट्स की रेंज लेनी है हिंदी से लेकर के ज्योग्राफी तक, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद हुआ क्या, इसने इस मार्क्स का टोटल एवरेज निकाल करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। यही काम एक शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इज इक्वल टू लगाकर टोटल मार्क्स की रेंज लीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसको सब्जेक्ट से, यानी जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं 5 हैं 6 हैं 7 हैं उससे डिवाइड कर दीजिए टोटल मार्क्स को, तो भी आपकी एवरेज रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो सेम फॉर्मूला है आपका, इज इक्वल टू एम आई एन मिनिमम। रेंज लेंगे आप सब्जेक्ट्स की, ब्रैकेट को करेंगे बंद और प्रेस करेंगे एंटर। सेम फॉर्मूला आपका मैक्स में भी यही यूज होगा, इज इक्वल टू मैक्स हिंदी से लेकर के आपको ज्योग्राफी तक की रेंज लेनी है, ब्रैकेट को करना है क्लोज और प्रेस करना है एंटर। ये तो फॉर्मूले बिल्कुल कॉमन फॉर्मूले थे। अब बात करते हैं रिजल्ट फॉर्मूले की। तो रिजल्ट शीट, रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो काफी कॉम्प्लिकेटिव है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर हम कंडीशन यूज करेंगे इफ की। इफ यानी कि यदि, तो इज इक्वल टू इफ यदि। अब यहाँ लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू मांग रहे हैं हमसे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रेंज लेंगे हम लोग टोटल मार्क्स की। यदि टोटल मार्क्स आपका ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, किसके कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, लाइक हमने ले लिया 300। यदि 300 के ऊपर आपकी वैल्यू होगी या 300 के बराबर आपकी वैल्यू होगी तो हमारा ये फॉर्मूला आंसर देगा पास। इसके बाद
हमने 300 से वैल्यू ऊपर या 300 के बराबर की तो कंडीशन सेट कर दी, लेकिन अब बात करते हैं 300 से नीचे वालों के साथ क्या होना चाहिए। तो कॉमा यूज करने के बाद आप दोबारा से यही फॉर्मूला रिपीट करेंगे, फिर से टोटल मार्क्स की रेंज लेंगे, फिर से ग्रेटर देन इज इक्वल टू का यूज करेंगे और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 250। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो काम कैसे करेगा कि यदि 300 से अबव या 300 के इक्वल अगर किसी के मार्क्स आते हैं तो ये उसे करेगा पास। अब उससे नीचे यानी 250, यहाँ पर आप रेंज कुछ भी रख सकते हैं, 250 से लेकर के 300 के बीच में अगर किसी के मार्क्स आए तो उसके साथ क्या होना चाहिए, तो उसकी आ जानी चाहिए कंपार्टमेंट। देन अगर 250 से नीचे अगर किसी की वैल्यू आती है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, तो वो हो जाना चाहिए फेल। इसके बाद ब्रैकेट को जितनी बार आप ओपन करेंगे उतनी बार आपको क्लोज करना होगा, एंटर प्रेस करिए। यहाँ देखिए इसकी आई है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट किस वजह से आई है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो मार्क्स हैं वो 250 से 300 के बीच में, ये पास हो गया। क्यों? क्योंकि इसके 300 से अबव मार्क्स हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फेल, तो यहाँ पर फेल शो नहीं कर रहा क्योंकि सभी के मार्क्स उसी तरीके से हैं। अगर आप चाहें तो किसी वैल्यू को यहाँ से कम करके आप फेल करके देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए जैसे ही वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज की, यानी कि मैथ के मार्क्स हमने चेंज किए, यहाँ देखिए रिजल्ट आ गया फेल, यानी हमारा तीनों कंडीशन जो हमने लगाई है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब बात करते हैं ग्रेड की, तो ग्रेड भी सेम एज इट इज इसी तरीके से फॉर्मूला यूज होगा, बट फर्क ये होगा कि यहाँ पर हम पास की जगह ए रखेंगे, कंपार्टमेंट की जगह बी रखेंगे और फेल की जगह सी रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू इफ यानी कि यदि टोटल मार्क्स की रेंज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वैल्यू, आप कुछ भी रखिए आप अपने अकॉर्डिंग, कॉमा इनवर्टेड कोट ए ग्रेड, यानी पास की जगह हमने रख दिया ए ग्रेड। देन इसके बाद फिर से सेम फॉर्मूला, इफ यानी यदि टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहां पर यूज करेंगे 250, कॉमा इनवर्टेड कोट बी ग्रेड, इनवर्टेड कोट कॉमा इनवर्टेड कोट सी ग्रेड, इनवर्टेड कोट टू टाइम ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं हम लोग रैंक की। अब रैंक क्या होता है, रैंक होता है कि जिस हिसाब से टोटल मार्क्स यहाँ पर वैल्यू हैं, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसकी रैंक 1 आनी चाहिए, जिसके सबसे कम मार्क्स होंगे उसकी रैंक 2 आनी चाहिए। तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है मार्केट के अंदर, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं इज इक्वल टू रैंक का फॉर्मूला। रैंक का फॉर्मूला देखेंगे तीसरे नंबर पर आपके शो कर रहा है, इसको आप टैप प्रेस करके यूज कर लीजिए। और यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है फर्स्ट सेल की रेंज, यानी फर्स्ट पे जो भी टोटल वैल्यू है उसकी रेंज लेनी है, कॉमा यूज करना है, और उसके बाद आपको लेना है ऑल रेंज ऑफ टोटल मार्क्स, यानी ये जो टोटल मार्क्स है इसको चेक करें इन सभी टोटल मार्क्स में से और बताएं इसकी रैंक क्या है। इससे पहले आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर आपको F4 जरूर दबाना होगा। F4 किस लिए, क्योंकि इस रेंज को फिक्स करने के लिए। अगर आप इस रेंज को फिक्स नहीं करेंगे तो आपका आंसर पहले का तो आंसर राइट आएगा, लेकिन बाकी के जो आंसर आएंगे वो रॉन्ग आएंगे, क्योंकि जब हम फॉर्मूला को नीचे की तरफ ट्रैक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल्स के एड्रेस भी चेंज होते रहते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पर F4 दबा करके वैल्यू को फिक्स करना होगा। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर प्रेस करिए। इसकी रैंक 4 है क्योंकि 4th नंबर पर है, क्योंकि इसके मार्क्स कम है। कंट्रोल डी दबाइए। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर पर फर्स्ट रैंक का पर्सन शो कर रहा है, और सेकंड नंबर पर है कौन, सेकंड नंबर पर है पंकज। तो मैं आप ये चाहता हूँ ये जो भी रैंक आई है वो सिक्वेंस वाइज यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट हो जाए। अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूज करना होगा फिल्टर। शिफ्ट के साथ आपको ये जो भी हेडर्स हैं इनको सेलेक्ट करना होगा और प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक फिल्टर यूज हो गया, और उसके बाद इस रैंक यानी जिस किसी को भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं वहां पर उसके डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपका शो करेगा शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे पहले स्मॉल वैल्यू शो हो, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो हमने यही यूज करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई। इसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके इस फिल्टर को वापस हटा सकते हैं। आपकी शीट कंप्लीटली पूरी हो चुकी है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।